फ्रेंड्स, टुडे स्टार्ट्स न्यू टॉपिक्स। आज हम माय डियर एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। प्लीज़ इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि एग्ज़ाम में बराबर इससे क्वेश्चन किए जाते हैं, वह क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड्स मिलते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं यही चाहूँगा कि जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं इस कठिनाई के दौर में ऑनलाइन क्लास के अनुसार, उनको अच्छे ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी अंदर का जो डाउट होगा वो सारे क्लियर होंगे। ओके, तो हम यह इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जो वीडियो दिया जा रहा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम एक मोटिवेशंस आपको देना चाहते हैं। इस कठिनाई के दौर में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करता है, वही जो है कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ पाता है, बुलंदियों की चोटी को छूता है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को बराबर याद रखिए कि मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। तो मोटिवेशंस बहुत सारे चीज़ें आता रहेगा, दिया जाएगा, बट हम जो है हम लौटते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसको हमें अध्ययन करना है। बोर्ड पर राइट किए गए टॉपिक को हम अध्ययन करेंगे, हमने क्या कहा है, इसका मीन्स क्या होता है, कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम आते हैं अपने टॉपिक के तरफ। टॉपिक हमारा ये है कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं sp2cx आबंध युक्त यौगिक। यह जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए यह आसान होगा, उसके आसान से भाषा में हम यूज करेंगे, जिससे कि वे जो है अपने अच्छे से अच्छे पॉइंट को पकड़ने में उसको कोई कठिनाई ना हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए इस पॉइंट्स पर हम आते हैं, ये sp2cx बॉन्ड। ओके, व्हाट इज कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड्स, ये है क्या, क्या है यौगिकों के आबंध युक्त sp2cx बॉन्ड क्या है, इसको हम समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। ओके, वे यौगिक जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बंध और एक कार्बन से हाइड्रोजन एटम संयुक्त हो, तो इस तरह के आबंध को हम sp2cx आबंध युक्त यौगिक कहते हैं। ओके, ऐसे यौगिकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड्स। द कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड इज बॉन्ड इन विच कार्बन कार्बन एटम्स बिटवीन डबल बॉन्ड एंड वन कार्बन एटम्स कनेक्टेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स नोन एज ए कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड। ओके, द कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx bonds classifies, there are two types, first vinylic halides और second aryl halides। तो first है vinylic halides, किसे कहते हैं, तो
हम पहले इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए यह आसान हो जाएगा। ओके, दे रहा है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हाइलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ओके, यानी कहने का मतलब वे है कि वे कंपाउंड जिन कंपाउंडों के अंदर कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड हो तथा एक कार्बन से हाइलोजन एटम यानी परमाणु संयुक्त हो, तो इस तरह के यौगिकों को बाइनलिक हैलाइड्स कहते हैं। फिर से एक बार दूसरे तरह से समझिए, बाइनलिक हैलाइड्स वे हैलाइड्स होते हैं जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन एटमों के बीच डबल बॉन्ड और उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी sp2 संकरण हो और एक कार्बन से हाइलोजन एटम परमाणु संयुक्त हो, तो ऐसे यौगिकों को बाइनलिक हैलाइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस पर एक एग्जांपल हम देते हैं। यहाँ जो है आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड, फिर उससे लिंक्ड है हाइलोजन, यानी यह जो है ये बता रहा है कि इनमें जो है यानी ये जो दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड का मतलब CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, यानी ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक जो है कार्बन से हाइड्रोजन एटम संयुक्त है, तो इस तरह के यौगिकों को कंपाउंडों को बाइनलिक हैलाइड्स कहते हैं। ओके, यानी इनमें जो है जो हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये रहा। अब उसी तरह एरिल में डबल बॉन्ड से उसी कार्बन से एक लिंक है हाइलोजन एटम, तो इस तरह के जो है यौगिकों को बाइनलिक हैलाइड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एरिल हैलाइड्स। व्हाट इज एरिल हैलाइड्स, अब इसको हम समझेंगे। दीज आर द कंपाउंड इन विच हाइलोजन्स एटम्स बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। ओके, यानी कह रहा है एरिल हाइलाइट्स वे हाइलाइट्स होते हैं जिनमें हाइलोजन्स एटम बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो और उनमें जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, इस तरह के हाइलाइडों को एरिल हाइलाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल में हम देंगे, यह बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से एक हाइलोजन एटम्स कनेक्ट है, तो इस तरह के जो है हाइलाइडों को एरिल हाइलाइड कहेंगे। यहाँ बेंजीन रिंग है, उससे जो है एक जो है हाइलोजन एटम और एक एल्किल ग्रुप कनेक्ट है, तो इस तरह के हाइलाइट को एरिल हाइलाइट कहेंगे। इसमें आप कहेंगे कि सर यक्स क्या बार बार कह रहे हैं हाइलोजन एटम, तो यक्स इज इक्वल टू ClBrI, ये जो है डिनोट कर रहा है आपका ये हाइलोजन एटम है, ठीक है। ये रहा हाइलोजन एटम, तो इस तरह ये पूरे टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इसमें कहीं भी डाउट नहीं है
आप जो है अच्छे ढंग से इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपका डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक और चीज हम देंगे इस पर आपको होमवर्क्स, जो हमने टॉपिक पढ़ाया उस पर होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करिए, चेक कराइए, जिस किसके साथ आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। अगर स्टूडेंट्स इस बात को, इस तकनीक को अपना नहीं पाते हो, तो आपके लिए हमेशा